Hello friends, in lecture 1 I have told you about the meaning of CBSE, all about the CBSE. In lecture 2 we are studying about Karnataka Secondary Education Examination Board, KSEEB. Now what do you mean by KSEEB, or what is the concept of KSEEB we are studying now? Karnataka Secondary Education Board is commonly called KSEEB, is the main education examination board in Karnataka. KSEEB main education board कहाँ पर ही है? Karnataka में ही है. ये एक education examination board है. Karnataka board was established in the year 1964. कब established हुआ है ये? 1964 में. Objective type questions में, exams में पूछा जाता है, year भी पूछा जाता है, तो 1964 में Karnataka secondary education board established हुआ था. Then next point, KSEEB is responsible for conducting SSLC exams and PUC exams and other state exams. जो KSEEB है वो responsible है कि एक ये SSLC exams करवाता है और एक PUC exams करवाता है. ये दो exams KSEEB board conduct करवाता है, उसके और अलग अलग छोटे छोटे state level पे exams भी conduct करवाता है. Next point, it executes and governs various activities that include devising of courses of study, pursuing syllabus, conducting examinations, granting recognition to schools, providing directions, supports and leadership for all secondary education institutions under its jurisdictions. जो KSEEB board है वो बहुत सारी एक्टिविटीज गवर्नस करवाता है, बहुत सारी एक्टिविटीज प्रोवाइड करता है, बहुत सारे कोर्सेज करवाता है, बहुत सारे एग्जामिनेशंस करवाता है, एक रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट, एक रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है स्कूल्स को, बच्चों को, चिल्ड्रंस को, एक प्रोवाइड करता है डायरेक्शन, काउंसलिंग करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, एक लीडरशिप का फॉर्म में सपोर्ट करता है सारे बच्चों को एज वेल एज टीचर्स को अपने ज्यूरिडिक्शन के साथ साथ. देन नेक्स्ट, आप ये बना सकते हैं एग्ज़ाम में KSEEB का डायग्राम, इससे मार्क्स बहुत अच्छे रिकवर होते हैं. देन वी विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ KSEEB. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है KSEEB? द वेरियस रोल्स दैट KSEEB ओवरलुक इंक्लूड, बहुत सारे रोल्स, बहुत सारे फंक्शंस KSEEB करवाता है. कंडक्टिंग एग्ज़ाम्स, क्लास 10th SSLC एंड क्लास 12th PUC एंड अदर एग्ज़ाम्स. जो हमने आगे पढ़ा SSLC एंड PUC एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है, तो जो SSLC एग्ज़ाम्स होते हैं वो क्लास 10th के लिए कंडक्ट करवाता है SSLC एग्ज़ाम्स, एंड जो क्लास 12th के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं उन एग्ज़ाम्स का नाम होता है PUC एग्ज़ाम्स. नेक्स्ट पॉइंट, एग्जीक्यूटिंग वेरियस मेथडोलॉजीज टू इम्प्रूव एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म है एजुकेशन. बहुत सारे एजुकेशन इम्प्रूव ऐसे ऐसे मेथडोलॉजीज एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करता है, मेथडोलॉजीज वेरियस रेगुलेशंस निकालता है ताकि बच्चों की एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो. देन नेक्स्ट, डिवाइजिंग द सिलेबस एंड कोर्सेज सिलेबस को बाबा रिकवर करता है, रिन्यू करता है हर साल, एंड नए नए कोर्सेज एंड सिलेबस निकालता है, डिवाइज करता है. देन ग्रांटिंग रिकॉग्निशन टू स्कूल्स, एक रिकॉग्निशन स्कूल्स को प्रोवाइड करता है ये KSEEB. देन प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड एजुकेशन स्ट्रेटजीज टू एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स, जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो KSEEB के अंडर आती हैं उनको बहुत सारे एजुकेशन प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करता है ताकि वो कैसे अपना एजुकेशन इम्प्रूव कर पाएँ. देन एग्जामिनेशन सिस्टम की बात करें तो दो तरह के मैंने आपको बता दिया है, जैसे कि ये एक SSLC एग्ज़ाम प्रोवाइड करता है और एक PUC एग्ज़ाम प्रोवाइड करता है. SSLC क्लास 10th बच्चों के लिए रहता है एंड क्लास 12th के लिए PUC एग्ज़ाम्स रहते हैं. देन नेक्स्ट, KSEEB SSLC एग्ज़ाम के बारे में हम पढ़ेंगे. तो KSEEB में SSLC का फुल फॉर्म क्या है? SSLC स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट. जब आप 10th पार करते हो तो आपको ये वाला सर्टिफिकेट मिलता है जिसका नाम है सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट. SSLC इज ऑफर टू दो स्टूडेंट्स हु क्लियर द सेकेंडरी स्कूल लेवल एग्ज़ाम्स, जो क्लास 10th के एग्ज़ाम्स क्लियर करते हैं उन बच्चों को ये वाला सर्टिफिकेट दिया जाता है. देन नेक्स्ट, एवरी ईयर ऑलमोस्ट 8 to 9 lakh स्टूडेंट्स अपेयर फ्रॉम द KSEEB.
हर साल एवरी ईयर अप्रोक्स 8 to 9 lakhs बच्चे हर साल साथ में एग्ज़ाम देते हैं बैठ के KSEEB का एंड SSLC एग्ज़ाम विच इज़ जनरली कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल और एग्ज़ाम्स कब होते हैं अप्रैल के मंथ में देन KSEEB PUC एग्ज़ाम्स SSLC एग्ज़ाम क्लास 10th के लिए थे अब हम PUC एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं जो क्लास 12th के बच्चे देते हैं दी PUC और दी प्री यूनिवर्सिटी कोर्स refers to class 11th and 12th. Class 11th is called first PUC and class 12th board exam called second PUC. अब जो PUC exam है उसमें अपना class 11th आ जाती है और class PUC में ही class 12th भी आ जाती है तो PUC जो class 11th के बच्चे रहते हैं उसको हम first PUC कहलाते हैं KSEEB exams में और जो 12th बच्चे exams देते हैं उनको हम second PUC बोलते हैं Then next point, the Karnataka State PUC board exam for class 12th is conducted every year in the month of March. And ये exams भी कब होते हैं? Month of March में every year में. Then syllabus की अगर हम KSEEB के syllabus की हम बात करें, तो both the syllabus of KSEEB, SSLC and KSEEB PUC is decided by the Karnataka board after through deep research and brain mapping the contents. ये जो syllabus है KSEEB जो क्लास 10th और क्लास 12th के लिए जो बनाते हैं सिलेबस तो वो बहुत ही डीप रिसर्च के बाद बनाते हैं और एक बहुत ही ब्रेन मैपिंग के साथ बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ ये सिलेबस बनाया जाता है दिस सिलेबस इज डिज़ाइंड इन अ वे टू हेल्प द स्टूडेंट्स गेट एक्वेंटेड विद ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट्स ये सिलेबस क्या ध्यान में रख के जाया जाता है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें कवर हों सारे बच्चों को एक बेनिफिट मिले ये सारे टॉपिक्स कवर करके एक नॉलेजेबल एक कंसंट्रेशन करके एक सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है देन नेक्स्ट KSEEB एग्ज़ाम पैटर्न अब एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करें कि किस तरह से उसके एग्ज़ाम्स होते हैं ईच ऑफ द पेपर्स इन KSEEB एग्ज़ाम्स कैरीज 100 marks 100 marks का पेपर होता है in which स्टूडेंट्स नीड्स टू कम्प्लीट इन 3 hours आपका 100 marks का पेपर होता है KSEEB में चाहे वो क्लास 10th का हो चाहे वो क्लास 12th का हो आपको थ्री आवर्स का पेपर होता है जो आपको 100 marks का प्रोवाइड किया जाता है Then next point, students are also given 15 marks to go through the questions and instructions. Students को जब paper दिया जाता है, question paper दिया जाता है, तो उन्हें 15 minutes दिए जाते हैं कि वो paper को thoroughly read out करें, उसको understand करें, उसके instructions पढ़ें, तो उनको 15 minutes provide किए जाते हैं. Then next, the paper consists of MCQs and descriptive questions. जो ये paper है, वो एक MCQ question provide करता है और एक descriptive questions provide करता है. The lines, the links to check the SSLC and PUC exams. अभी मैंने links यहाँ पे लिख दी हैं कि एक ये link से आप 10th का exam का result check कर सकते हैं, timetable check कर सकते हैं और एक PUC exam जो class 12th के लिए होता है तो उसकी ये है आपकी link. ये दोनों link से आप अपने exams के pattern देख सकते हैं. Then हम अगर dates की बात करें कि वो exam date कैसे निकालता है तो KSEEB releases the timetable of each of the exam that is SSLC and PUC exam every year वो timetable नया नया pattern के हिसाब से निकालता है then generally SSLC exam starts by last week of March and end by first week of April ये exam starts कब होते हैं March के last week में and end कब होते हैं April की first week में On the other hand, जो PUC exams रहते हैं जो class 12th और 11th के लिए रहते हैं second exams are conducted through March और ये exams कब होते हैं सिर्फ March में होते हैं then third point the KSEEB also conducts supplementary exams for the students who fail the clear by chance कोई बच्चा fail हो जाता है तो उसके लिए वो supplementary exams यानी supplementary करके आप नेक्स्ट एक और बार एग्ज़ाम दे के पास हो सकते हो मतलब एक और चांस प्रोवाइड करता है SSLC देन अगर हम SSLC बोर्ड रिजल्ट्स की बात करें तो द रिजल्ट्स ऑफ बोथ क्लास 10th एंड 12th आर रिलीज्ड बाय द KSEEB ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने आपको वेबसाइट्स बताई दोनों की उन वेबसाइट्स पे अपने रिजल्ट ही शो ऑफ करते हैं द रिजल्ट्स आर जनरली रिलीज ऑन द मंथ ऑफ जुलाई एग्ज़ाम्स कब होते हैं मार्च में एंड अप्रैल में एंड की एंड रिजल्ट्स कब रिलीज हो जाते हैं जुलाई में मंथ ऑफ जुलाई में रिजल्ट्स ही प्रोवाइड कर देते हैं द रिजल्ट्स आर चेक्ड फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कर्नाटका बोर्ड दैट इज karnataka.nic.in आप इस वेबसाइट से अपनी सारी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं
थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।